नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। हम आपको वैसी बातें बताते हैं जो ना न्यूज़पेपर में होती हैं और ना ही न्यूज चैनलों में। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल के डिनर पार्टी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर पर कुछ पत्रकारों को खाने पर बुलाया। उन्हीं लोगों को न्योता भेजा गया था जो केजरीवाल की गुड बुक में है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो थे ही, डिनर पार्टी में खास तौर से प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया था। केजरीवाल ने एक अच्छे मेजबान की तरह सबकी खूब खातिरदारी की। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, आजकल आप पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं करते हैं, पहले तो उनकी हर बात पर आप 100 बात कहते थे, ये मामला क्या है? केजरीवाल मुस्कुराते रह गए, कुछ बोले नहीं। उनकी तरफ से प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। वे बोले, अरविंद अब एंग्री यंग मैन नहीं रहे, वो सब पुरानी बातें हैं। उनके इस जवाब पर हॉल में मौजूद सब मुस्कुराने लगे। हंसी तो इस बात पर भी आती है कि मुंबई में कोई भी कमरा नंबर 602 लेने को तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को तो इस कमरे की परछाई से भी डर लगता है। ठाकरे सरकार का कोई भी मंत्री इस कमरे को लेने को तैयार नहीं हुआ। इस कमरे को सब अपशगुन मान रहे हैं। कहते हैं कि जिसने भी इसमें ऑफिस बनाया उसकी राजनीति चौपट हो गई। कमरा नंबर 602 मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ खड़से कृषि मंत्री थे, इसी कमरे में उनका ऑफिस था। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए। फिर पांडुरंग कुंदकर को कृषि मंत्री का चार्ज मिला, वे इसी कमरे में बैठने लगे। कुछ हफ्तों बाद हार्ट अटैक से वे चल बसे। फिर चंद्रकांत पाटिल को ये कमरा मिला, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अभी वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब अनिल बोंडे को कृषि मंत्री बनाया गया तो कमरा नंबर 602 में ही वे बैठने लगे। वे चुनाव हार गए। इसीलिए जब डिप्टी सीएम अजीत पवार को ये कमरा मिला तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए इसमें ऑफिस नहीं बनाऊंगा। मुंबई के मंत्रालय के इस कमरे में अब सीएम ऑफिस के लोग बैठते हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता तो मुंह फुलाए बैठे हैं। पीसी चाको दिल्ली के पार्टी प्रभारी हैं। सुभाष चोपड़ा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोनों में बातचीत नहीं होती है, दोनों को एक दूसरे का चेहरा तक पसंद नहीं है। अब पार्टी चुनाव की तैयारी इस हालात में कैसे करे? राजीव साटप को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यही कमेटी तय करेगी किस नेता को टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। सुभाष चोपड़ा और पीसी चाको में तो बातचीत बंद है, इसीलिए राजीव साटव ही इनमें से एक नेता से बात कर दूसरे को बता देते हैं। वे अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में ही झगड़ा जब इतना बड़ा हो तो फिर पार्टी किस मुंह से चुनाव लड़ेगी? वैसे शीला दीक्षित के जमाने में भी यही झगड़ा था। चाको और शीला जी का रिश्ता ऐसा था कि अगर चाको पूरब कहते थे तो शीला पश्चिम। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को ये पता है, लेकिन अंगद की तरह चाको दिल्ली में पैर जमाए हुए हैं। कोई अंगद की तरह जम जाता है तो कोई किसी का नाम सुनते ही गायब हो जाता है। लखनऊ की एक बात याद आ गई। अखिलेश यादव के आने की खबर लगते ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 9-2-11 हो गए। गोमती नदी के किनारे एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं को बुलाया गया था। ये ख्याल रखा गया था कि दोनों नेताओं का मंच पर आमना सामना ना हो जाए, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री तय कार्यक्रम से पहले पहुंच गए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा तब मंच पर ही थे। जैसे ही उन्होंने अखिलेश को दूर से देखा, उन्हें करंट जैसा लग गया। कुर्सी से झटपट उठे और मंच से नीचे उतर गए, वो भी इस तरह से कि अखिलेश यादव से देखा देखी ना हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश के साथ दिखने या फिर कोई कार्यक्रम साझा करने से बचते रहे हैं। 2 साल पहले एक कार्यक्रम में दोनों आते जाते टकरा गए थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे को ना नमस्कार किया ना ही हालचाल ही पूछा। लखनऊ से अब चलते हैं भोपाल, जहां कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं। भोपाल के मशहूर भारत भवन में आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी मंच पर थे। माइक संभालते ही कमलनाथ के बारे में जयराम बोले, मेरे दोस्त, मेरे कलीग और 30 सालों तक यूनियन टेरिटरी छिंदवाड़ा के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम।
जयराम ने कमलनाथ को हाइपर एक्टिव और सुपर इंटेलिजेंट बताया। उन्होंने बताया कि कमलनाथ उनके पहले कैबिनेट मंत्री थे जिनके साथ मैं राज्य मंत्री था। जयराम ने बताया कि उन्हें अपने लिए काम तलाशना पड़ता था क्योंकि उन्हें किसी काम लायक नहीं समझा जाता था। जब कमलनाथ की बोलने की बारी आई तो वे बोले, जैसा कि मेरे दोस्त जयराम ने बताया, जिसे आपने सुना, वो सही नहीं है। वे बोले, मुझे तो ये डर लगा रहता था कि मेरे अधीन एक सुपर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है जो मुझसे ज़्यादा काबिल है, उसे कोई आदेश निर्देश कैसे दूँ, इसीलिए सारे काम खुद ही कर लेता था। कमलनाथ की इस बात पर जयराम रमेश समेत सभी मेहमानों ने जमकर ठहाके लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों बड़ी चर्चा में है, इकोनॉमी को लेकर नहीं बल्कि पीएम की एक मीटिंग में ना होने के कारण। नीति आयोग में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों के जानकारों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर को भी इसमें बुलाया गया था। जब ये बैठक नीति आयोग में चल रही थी उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी हेडक्वार्टर में थी। वे पार्टी प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा और संजय मयूख जैसे नेता भी उनके साथ थे। प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद निर्मला ने पार्टी के प्रकोष्ठों और सेल के संयोजकों से बातचीत की। अब सब पूछ रहे हैं कि बिना वित्त मंत्री के ही पीएम मोदी ने बजट की बैठक कर ली। निर्मला जी, सब ठीक ठाक है ना? ऑफ द रिकॉर्ड में इस हफ्ते बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड में कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।